सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 बसंत से पाठ 6 भगवान के डाकिए। कविता इस प्रकार है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुंचते हैं। हम तो केवल यह आते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस कविता के कवि हिंदी जगत के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार हैं, बांचना, पढ़ना, आंकना, अनुमान लगाना, तिरता, तैरता, सौरभ, सुगंध या महक, पाख, पंख। आइए हम लोग कविता की सरलार की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल की तुलना भगवान के डाकिए से किया है। कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाने वाले भगवान के डाकिए हैं। हम सामान्य जन उनकी राय चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उन्हें अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं अर्थात समझ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे काव्यांश की तरफ। हम तो केवल यह आते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस दूसरे काव्यांश का सरलार्थ इस प्रकार है, कवि कहता है कि हम पक्षी और बादल के संदेश को भले ही न पढ़ पाए पर इतना अंदाजा अवश्य लगा लेते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश के लोगों को प्रेम भरा संदेश भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। ऐसा लगता है कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम की सुगंध तैर कर दूसरे देश तक पहुंच जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है तथा एक देश में उठा हुआ बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है क्योंकि वर्षा किसी देश की सीमा या बंधन को नहीं मानती है। धन्यवाद।